देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, बेसिकली नो डाउट ये मिस्टर एस ने भी क्लियर नहीं किया है, बट व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, जो 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 हम एश को डीकोड करते रहते हैं, जैसे मैंने कल वीडियो में भी बताया है कि एक प्रोसेस है, जब मिस्टर एश ने बोला कि विद इन 15 डेज, तो एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस वही है कि हम लोगों को $97 कैसे देने हैं, हमको वेरीफाई कैसे करना है, राइट, और वो सारा कुछ होने के बाद वो चीज आएगी ओकनेट वाली, ओके। नाउ ओकनेट, मिस्टर एश ने बोला कि अगला वेबिनार जो होगा कॉर्पोरेट, वो पेड वर्जन पे होगा, राइट? सो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सारा वेरिफिकेशन होने के बाद, क्योंकि मिस्टर एश का एक मानना ये है कि मुझे वेरीफाइड लोग ही चाहिए, राइट? इसीलिए वो ओ वेरीफाई का एक सिस्टम बनाया गया है। तो मिस्टर एश का ये मानना कि जो लोग वेरीफाई हो जाएंगे वो उनको $97 आ जाएंगे आपके लिए, जो नेक्स्ट दरवाजा खुल जाएगा पे करने का, और आप पे करोगे तो नाउ वो आपका हो गया, राइट, ओकनेट। तो उसके बाद आके मे बी एश एक दिन डिसाइड करेंगे कि यस, ये इस दिन को हम कॉर्पोरेट वेबिनार का, तो जो लोग हो जाएंगे डेफिनेटली वो लोग कॉर्पोरेट वेबिनार को अटेंड कर पाएंगे। सो दैट मींस एश के पास एक वेरीफाइड लोगों का डाटा होगा जो वो कॉर्पोरेट वेबिनार में बैठे होंगे। सो आई होप कि मुझे लग रहा है कि हम पहले पे करेंगे और उसके बाद वो कॉर्पोरेट वेबिनार जो पेड वर्जन पे होगा, क्योंकि उसका मतलब ही ये है बेसिकली, राइट? एब्सोल्युटली सर। तो मतलब यहाँ कुछ ऐसा होगा कि जो लोग अगर पेड नहीं कर पाएंगे, या अगर लेट से पे करेंगे, या कुछ सोए रहे हैं, या वो नहीं जाग रहे हैं, तो वो कॉर्पोरेट वेबिनार का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। नहीं, देखिए इसमें इसमें भी अभी एक बात है, ओके, मे बी अभी क्योंकि ये क्लियर नहीं है, ये जस्ट एक अजम्पशन मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे तो होने वाला है। पेड वर्जन, अगर एश बोल रहे हैं कि पेड वर्जन का, तो पेड वर्जन किसके लिए? हमारे लिए है ना, हमारे लिए पेड वर्जन है ना, वो चीज कंपनी के पास तो ऑलरेडी है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कल आई थिंक नीरज ने ये क्वेश्चन पूछा था मिस्टर एश को, कि कुछ लोग होंगे कि चाहे उनका ट्रायल खत्म हो गया होगा और वो पे भी नहीं किया, बट स्टिल दे कैन अटेंड द वेबिनार, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी देखो, अभी जो कुछ होने वाला ना, इट्स ओनली फॉर फाउंडर्स ओनली, एंड अभी यहाँ पे बाकी के लोग नहीं है बीच में, ओके, चाहे वो पेड वर्जन भी अभी आ जाएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज ओनली फॉर फाउंडर्स। तो मुझे नहीं लग रहा कि एश इसमें डिस्टिंक्शन करेंगे कि तुम तो वेरीफाई नहीं, इसलिए तुम अटेंड भी नहीं कर सकते। मे बी अटेंड कर पाएंगे वो, ठीक है ना, एंड बाकी आई डोंट नो इफ एनीबडी कैन कम अप विद दिस आंसर। नीरज, अगर आप इसको आंसर दे सकते हो या कोई भी, या अटेंड कर पाएंगे? आपने सही कहा सर, अटेंड करने के लिए पेड करने की क्या जरूरत पड़ती है, मतलब आपको कॉर्पोरेट, क्योंकि देखिए एक बात है प्रज्ञेश, देखो मिस्टर एश की इंटेंशन ये कभी भी नहीं है कि यहाँ पे मैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दूं, कुछ ये कर दूं, मैं अपने आप को एज ए एरोगेंट बिहेव, क्योंकि तुमने पे नहीं किया तो तुम कैसे यहाँ पे बैठ सकते हो, दिस थिंग, तो ऐसी उनकी इंटेंशन नहीं है, राइट? सो इंटेंशन क्या है? टू मेक अ सिस्टम स्ट्रीमलाइन, टू मेक अ पीपल अंडरस्टैंड, कि लोग अंडरस्टैंड कर सकें सिस्टम को भी, और चीजों की साथ में अगर उन्होंने पे भी नहीं किया है, बट स्टिल दे कैन अटेंड द अवर सिस्टम, सो दैट दे कैन बेटर अंडरस्टैंड उस सिस्टम को कि हमें करना क्या है बेसिकली। सो आई होप कि ऐसा होगा। जी एब्सोल्युटली सर, वो वेबिनार क्रिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो अटेंडिस बन के अटेंड कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, तो ये सारे लोगों के, जितने भी लोगों को ये टेंशन था वो निकल चुका होगा आई थिंक सो। एंड लास्ट एक सजेशन है मेरा, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि KYC बच्चों का कैसे हो, ये हो वो हो, तो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए ना सर। देखिए, आप सबके छोटे 1 साल का बच्चा होता है ना, उसका भी आधार कार्ड इंडिया में इजीली बन जाता है और विद इन 15 डेज आपको डिलीवर्ड हो जाता है, और वो डिजिटली तो बहुत जल्दी डिलीवर्ड होता है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को भी KYC या वेरीफाई के रिगार्डिंग टेंशन लेना चाहिए। इसमें देखो प्रज्ञेश, कल मिस्टर एश ने एक बहुत अच्छी बात कही, नीरज भी आज सुबह बता रहे थे कि प्रिपेयर योर सेल्फ, राइट, नॉट रिपेयर योर सेल्फ। सो अगर आपके बच्चे के पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है या कुछ नहीं है, अभी आज ही अप्लाई के लिए, कल सुबह उठिए अप्लाई करिए, 10-15 दिन में आपको डिलीवर हो जाएगा। तो अभी हमारे पास टाइम है यहाँ पे, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। अपने आप को प्रिपेयर करिए उन चीजों के लिए जो आपकी फ्यूचर में होने वाली हैं। तो जिनको भी लगता है कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है,
कल सुबह उठ के पहले ये ही काम करिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्लीज बनाइए जाके, क्योंकि दिस इज योर बिजनेस, ओके। इसको थोड़ा सीरियस लेना शुरू कर दीजिए, ये आपका बिजनेस है और इसको कैसे रन करना है ये कल मिस्टर एश ने बहुत अच्छी तरह से समझा भी दिया आपको, और ये आपको भी चाहिए कि क्योंकि ये आने वाला है ये बात की हमारे बहुत सारे फाउंडर्स हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पास नहीं है ऐसी चीजें, तो क्यों नहीं बनाई जाए, ओके। जाइए कल सुबह से ही इसकी तैयारी कर दीजिए, ओके जी। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। आपको आधार कार्ड अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, अगर उसमें नाम में स्पेलिंग में अगर कहीं कुछ गड़बड़ है उसको आप सुधरवा भी सकते हैं, और डेफिनेटली आप अपने बैंक के वीजा कार्ड मास्टर कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको अप्लाई करके उसको बैंक से मंगवा सकते हैं, और सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करिए। 10-15 दिन का टाइम है हमारे पास, और अगर 2-5 दिन आगे पीछे भी हो गया तो आप उसके बाद भी एक्टिवेट कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल प्रिपरेशन मोड में आइए, एक्टिव हो जाइए, और जो भी आपको नीडफुल है उस प्रोसीजर को आप डेफिनेटली करके रखें ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे इधर उधर भागना नहीं पड़े। थैंक यू सो मच विलन सर, आपने बहुत ही अच्छे से सारे सॉल्यूशंस दिए, एंड थैंक यू सो मच। ओवर टू यू नग्मा जी। यस, थैंक यू सर। नीरज सर का हैंड रेज है, तो मीन सर कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे सर, आप प्लीज आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो एक्चुअली प्रगनेश जी ने जो सवाल किए थे उसमें थोड़ा ऐड कर रहा हूँ उसके रिलेटेड। पहले एक वेबिनार में ये क्वेश्चन आया था कि मल्टीपल अकाउंट्स है तो वो कैसे एक्सेस करेंगे, तो डेफिनेटली उन्होंने बोला था कि हम बहुत यूजर फ्रेंडली बनाने वाले हैं, तो एक पहले अकाउंट में लॉग इन करके आई थिंक रिलेटेड अकाउंट्स या ऐसा कुछ रहेगा, तो वहां पे आप बाकी के अकाउंट्स पे लॉग इन कर पाओगे, तो वो सिंप्लिसिटी रहेगी, उसके मोर डिटेल्स अवेटेड है। दूसरा आपने सवाल किया था, आपको सवाल आते हैं कि पहले पे करना है बाद में पे करना है, सर मेरा सवाल आपसे है कि अभी पे करना है तो वो तैयार है क्या? Absolutely. Answer, आपका तो वही है कि वो प्रिपेयर्ड रहना है, ये हम वेस्ट करते हैं टाइम की, तो सर वो सवाल तो अपने इतने रहते हैं कि पहले पे करना है बाद में पे करना है, जब भी सवाल पूछा जाता है अभी आपके पास है क्या, नहीं अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो सवाल क्यों आते हैं? तो आपको आपकी तैयारी नहीं है लेकिन आप पूछना चाहते हो पहले पे करना है बाद में पे करना है, उसके लिए सिंपल आंसर है कि तैयारी रखो, कब जब भी बोला जाएगा तभी पे करना है। ये फालतू के सवाल की ये पहले पे बाद में पे खाली फीलिंग, आपको तकलीफ बाकी लीडर्स को तकलीफ, उसका आंसर किसी के पास नहीं है, जब भी बोला जाएगा तभी बोला जाएगा, सिंपल। और तीसरा ये जो अटेंडीज है उनको पहले तो आई थिंक गुस्मिंदर ने एक पॉइंट थोड़ा सा गलत बोला, वो भी करेक्ट कर रहा हूँ सॉरी, लेकिन करना जी, पड़ेगा नो प्रॉब्लम। तो गुस्मिंदर जब भी अटेंडीज होते हैं ओ कनेक्ट में वो उनको फ्री ट्रायल यानी पे क्लिक नहीं करना है, उनको सिर्फ ओमेल अकाउंट ओपन करना है, बस उनको ओमेल अकाउंट ओपन कर रहा है और बाद में वो ओ कनेक्ट के मीटिंग लाइफ टाइम अटेंड कर सकते हैं, ऐसा एश ने बोला था।